थाना भुगांव क्षेत्र में एक परिवार द्वारा पुलिस पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस द्वारा घर में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया गया, मोटरसाइकिल उठा ले जाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार एसपी के पास पहुंचा, यहां एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग। थाना भुगांव क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार पुलिस पर आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचा। उसने एक शिकायती पत्र दिया। पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गुंडई और दबंगई का शिकार हुई है। हालांकि इन तस्वीरों में बिखरा पड़ा सामान किसकी वजह से पड़ा है, इस बात की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन यहां तोड़फोड़ का आरोप पुलिस पर लगाया गया है। दरअसल ये पूरा वीडियो थाना भुगांव क्षेत्र के ग्राम रामनगर का है। यहां पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस द्वारा ये सब करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया। दरअसल थाना भुगांव क्षेत्र के ग्राम रामनगर निवासी सुरजन सिंह अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया जिसमें उसने बताया कि वर्ष 2009 में उसे भूमि आवंटित की गई थी, जिसकी बेदखली की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उन्हें दबंगों ने कब्जा कर लिया। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के आदेश किए, जिसके बाद भी दबंग नहीं मान रहे। लगातार दबंग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। जब दबंगों द्वारा जमीन को छुड़ाने की बात की गई तो दबंगों द्वारा झगड़ा किया गया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने पुलिस पर भी दबंगों के साथ साठगांठ किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा उसके घर पर तोड़फोड़ की गई और मोटरसाइकिल को भी उठा ले गए। पूरे मामले में एसपी ने संज्ञान लिया, जिसके बाद तत्काल इलाका पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जिला मुख्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने क्या कुछ बताया, ये भी जरा सुनिए। क्या घटना हुई है? क्या खेती है उनकी, जिनकी जो लोग कब्जा करने के लिए आए थे उनकी खेती है क्या? फिर किस वजह से कब्जा कर रहे हैं? पुलिस को सूचना दी थी?